हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रवीण, मैथ्स फैकल्टी. टुडे लेक्चर इज डेडिकेटेड टू इम्पॉर्टेंस ऑफ ग्राफ इन मैथमेटिक्स और स्पेसिफिकली इन कैलकुलस. कैलकुलस में फंक्शन से लेके, फर्स्ट चैप्टर फंक्शन होता है कैलकुलस का, फंक्शन से लेके एरिया तक ग्राफ का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है. ठीक है, आप इस क्लास से इस बात को आप रेलिवेंट कर पाओगे कि ग्राफ का कितना इम्पोर्टेंस है. और अगर कोई ग्राफिकली नहीं सॉल्व करे उन चीज़ों को, ग्राफिकली कैलकुलस को ना पढ़े, तो उसके लिए कैलकुलस इज़ अ वेरी बिग थिंग. और अगर आप ग्राफिकली सॉल्व करने जाओ, ग्राफिकली चीज़ों को करो, फंक्शन से चैप्टर शुरू में ही आप ग्राफ का अच्छे से स्टडी कर लो, तो फिर आपके लिए इट वुड बी लाइक अ गेम और अ प्ले, और यू वुड स्टार्ट लविंग दिस कैलकुलस. डिफरेंशियल कैलकुलस में तो बहुत ही ज़्यादा यूज है, इंटीग्रल कैलकुलस में एरिया है. तो शुरू से लेके लास्ट तक पूरे कैलकुलस में ग्राफ चाहिए ही होता है. कुछ डिफिकल्ट इक्वेशंस के सॉल्यूशन भी आप ऐसे सॉल्व करने जाओगे, इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट, लेंदी, पता नहीं, टाइम ज़्यादा लग जाएगा. और अगर आप ग्राफिकली सॉल्व करो, ग्राफिकल अप्रोच को फॉलो करो, तो सॉल्यूशन आसानी से हो जाता है, क्योंकि ग्राफिकल अप्रोच में आपको सॉल्यूशन दिखता है. हम लोग पहले किया करते थे क्लास 9 में कि सॉल्विंग टू इक्वेशंस ऑफ लाइन ग्राफिकली. व्हाट वी डिड इन दोज टाइम्स कि एक लाइन का इक्वेशन होता था L1 इज इक्वल टू जीरो, ये ऐसा इक्वेशन ये आया, एल इसका ग्राफ ऐसा आया L2 जीरो. तो हम ऐसा करके कुछ ग्राफ ड्रॉ करते थे, एक्स वाई करके कुछ पॉइंट आते थे, दो पॉइंट आते थे, उसको मिला के मैं ग्राफ बना लेता था, और दूसरा ग्राफ ऐसा होता था, और फिर मैं बोलता था ये सॉल्यूशन है. सिंपल, कभी ग्राफ ऐसा मिल जाता था तो बोलते थे कि सॉल्यूशन नहीं है. तो आपको सॉल्व नहीं करना पड़ा, ग्राफिकली आपने देखा, बता दिया सॉल्यूशन है सॉल्यूशन नहीं है. और अगर ग्राफ पेपर पे हो तो आप ये भी बता सकते हो कि किस पॉइंट पे वो सॉल्यूशन है. ठीक है, तो यही है. जैसे ये स्ट्रेट लाइन के लिए, किसी भी कर्व के लिए, अगर दो बार वो एक बार वो इंटरसेक्ट करता है, तो वहां पे उन दोनों का एक्स और वाई दोनों पॉइंट इक्वल है. आप देख सकते हैं ना, यहाँ पे एक्स की वैल्यू वही, वाई की वही है, एक्स और वाई दोनों पॉइंट इक्वल है. दैट मीन्स दोनों वहां पे सेम वैल्यू दे रहा है. एट वन एक्स देर इज सेम वाई फॉर बोथ ऑफ द फंक्शन, इस फंक्शन के लिए भी और इस फंक्शन के लिए भी. ठीक है, तो ठीक है, ये पुरानी बातें थी बच्चों वाली, अब आगे बढ़ते हैं. तो इस लेक्चर के बाद आपको समझ आएगा कि ग्राफ कितना इंपॉर्टेंट है कैलकुलस के लिए. तो हम लोग स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन ऑफ डिफिकल्ट इक्वेशंस. तो हाउ टू सॉल्व डिफिकल्ट इक्वेशंस, जो ऐसे सॉल्व करना कितना मुश्किल होता है. पूरा एग्जांपल, अभी छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ. फर्स्ट एग्जांपल, ए रेज टू द एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, राइट, ये इक्वेशन लिया. ठीक है, ये क्लास 12 के लिए है, तो आप लोग को ये ग्राफ आना चाहिए. ठीक है, अब ई पेपर और एक्स का ग्राफ अगर आपको नहीं आता, तो आप थोड़ा सा टाइम रुक जाओ, फिर इसको पहले बेसिक जो ग्राफ का होता है, मॉड, एक्सपोनेंशियल, लॉग, ये सब सीखने के बाद आप इसको कर सकते हो. तो अभी मैं आप ये देख रहा हूँ कि आपको बेसिक ग्राफ्स आते हैं. इधर सो दी एक्स का ग्राफ पता है आपको ऐसा होता है. ठीक है, और एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, ये बहुत छोटा एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, जिनको आता है ग्राफ इसके लिए. तो यहाँ पे देख सकते हो कि कितने सॉल्यूशंस हैं, दो सॉल्यूशंस. तो यहां पे मैंने लिखा है सॉल्यूशंस ऑफ डिफिकल्ट इक्वेशन, सॉल्यूशन और नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, सॉल्यूशंस और नंबर ऑफ सॉल्यूशंस. सो यू कैन सी देर आर टू सॉल्यूशंस हियर, राइट. सिमिलरली एक और छोटा एग्जांपल ले सकते हो आप, ln x इज इक्वल टू माइनस एक्स. तो आपको क्या करना है, एक बार लेना है y इज इक्वल टू ln x. इसका ग्राफ ड्रॉ करो सबसे पहले स्टेप वाइज. LHS में जो ग्राफ दिखाई दिया उसको ड्रॉ कर लो, ये ड्रॉ कर लिया. दूसरा RHS माइनस एक्स, वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ क्या होता है, एक बार y इज इक्वल टू ln x और एक बार y इज इक्वल टू माइनस एक्स. माइनस एक्स का ग्राफ क्या होगा, ये होता है y इज इक्वल टू माइनस एक्स. यहाँ पे इसको ड्रॉ कर दिया. ठीक है, क्लियरली यू कैन सी दैट देर इज वन पॉइंट वेयर यू कैन फाइंड एन इंटरसेक्शन, सो देर इज वन सॉल्यूशन इन दिस. तो आप नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड कर पा रहे हो जस्ट ड्राइंग द ग्राफ, बाय जस्ट ड्राइंग द ग्राफ विदाउट यूजिंग एनी कैलकुलेशन, एनीथिंग, कुछ भी नहीं. तो ये अप्रोच बहुत ही आसान है, बहुत ही जल्दी आप सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हो. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. एक क्वेश्चन है,
साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन. द क्वेश्चन इज फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस. ठीक है, ये एक इक्वेशन है तो सॉल्यूशन होता हो सकता है, तो इसमें कितने सॉल्यूशंस होंगे वो बताने. आप पॉज करके ट्राई कीजिए और देखिए कि आपके पास क्या क्या अप्रोच है, आप कैसे सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, तो इसको एनालाइज ऐसे कर सकते हैं कि एक तरफ है साइन एक्स, और आपको पता है साइन एक्स का जो रेंज होता है इट इज बिटवीन माइनस वन टू वन. जो लेफ्ट साइड में है वो वैल्यू माइनस वन से वन के बीच हो सकती है, राइट साइड में वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है मैंने बता दिया ट्वेल्थ क्लास के लिए. तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या होता है किसी भी क्वाड्रेटिक का, किसी भी क्वाड्रेटिक का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू हम कैसे निकालते हैं. ये अगर फंक्शन है, ये कोई पॉलीनोमियल है, तो इसका मिनिमम पता है क्या होता है, इसका मिनिमम होता है माइनस डी बाई फोर ए, यानी कि फोर ए सी माइनस बी स्क्वायर बाई फोर ए. ठीक है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू होती है फोर ए सी माइनस बी स्क्वायर बाई फोर ए. तो यहाँ से मैं इसकी मिनिमम वैल्यू निकाल सकता हूँ. तो इसका रेंज क्या होता है पता है, रेंज होता है माइनस डी बाई फोर ए टू इन्फिनिटी. ठीक, तो इसका भी रेंज मैं पता कर सकता हूँ. क्या है इसका डी निकालिए आप, इसका डी क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, यानी फोर ए ए सी इज वन हेयर, फोर ए सी माइनस बी स्क्वायर बी इज वन हेयर माइनस बाई फोर ए बाई फोर ए. सो इट इज फोर माइनस वन थ्री बाई फोर. सो द मिनिमम वैल्यू फॉर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज थ्री बाई फोर. सो इट्स रेंज वुड बी, इसका रेंज क्या हो जाएगा, थ्री बाई फोर टू इन्फिनिटी. मतलब जो y की वैल्यू है वो 3 बाई फोर टू इन्फिनिटी तक जाएगी. ठीक है, 3 बाई फोर से इन्फिनिटी तक, यानी कि मिनिमम वैल्यू कितनी होगी 3 बाई फोर. तो मैं क्या कह रहा था कि साइन x की वैल्यू माइनस वन से वन के बीच हो सकती है, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू माइनस वन से वन के बीच हो सकती है, और राइट हैंड साइड की वैल्यू कितनी हो सकती है, 3 बाई फोर से लेके वन टू थ्री इन्फिनिटी तक हो सकती है. तो ऐसे आप सोच सकते हो कि सॉल्यूशन हो सकता है. अगर ऐसा होता कि ये 2 टू इन्फिनिटी होता तो आप सीधा मना कर देते कि माइनस वन से वन ये हो सकता है और ये तो 2 से इन्फिनिटी हो सकता है, जो लेफ्ट साइड रहता है हैंड साइड में कभी पॉसिबल ही नहीं है, तो कोई सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता. बट यहाँ पे ये 3 बाई फोर है, यानी कि सॉल्यूशन के चांसेस बन रहे हैं. ऐसे सोचोगे, मतलब सोच इन्वॉल्व है, सोचना पड़ेगा. ठीक है, और आगे आप देखेंगे, पता नहीं आप कैसे करेंगे, इसके आगे कैसे करेंगे, ये सोच लिया इसके आगे कैसे करोगे, लेकिन मैं ये सब सोचने के लिए मना कर रहा हूँ. मैं कह रहा हूँ कुछ मत करो, ग्राफ ड्रॉ कर दो बस, जस्ट ड्रॉ द ग्राफ, दोनों का ग्राफ ड्रॉ करो और फिर देखो. तो साइन एक्स का ग्राफ तो दुनिया को पता ही होता है, और आप दुनिया वाले ही हो, तो साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करो. ऐसे साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर दिया आपने, ठीक है, थोड़ा ऊपर हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता. दूसरा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का ग्राफ कैसा होगा, आपको अच्छे से 11th क्लास में बताया जाता है कि ऐसे क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, कैसे करते हैं, कैसे करते हैं, कैसे करते हैं. सबसे पहला जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है वो 1 है, यानी पॉजिटिव है, तो ग्राफ कैसा होगा, ऊपर होगा. उसके बाद क्या देखना होता है, वर्टेक्स देखना होता है कि किस पॉइंट पर डालें, हम कैसे डालें, कहाँ पर ऊपर डालें, तो वो होता है माइनस डी बाई फोर है. तो यहाँ पर वो पॉइंट कौन सा है, 3 बाई फोर. सो ये पॉइंट वर्टेक्स का पॉइंट क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, ये है माइनस डी बाई टू ए और ये है माइनस डी बाई फोर ए. तो माइनस डी बाई फोर ए तो आपने थ्री बाई फोर ले लिया, माइनस डी बाई टू ए क्या होगा, यानी कि द पॉइंट एट विच इट गिव्स मिनिमम वैल्यू. सो माइनस डी बाई टू ए यहाँ पे निकालिए क्या होगा, माइनस डी बाई टू ए, कौन सा क्वेश्चन, इसमें इसे माइनस डी बाई टू ए निकालो, माइनस डी बाई टू ए. सो ए कितना है, ए वन है, सो माइनस हाफ. सो द पॉइंट इज, ये जो माइनस डी बाई टू ए और माइनस डी बाई टू ए है, ये पॉइंट कौन सा हो गया, माइनस हाफ एंड 3 बाई फोर. सो यू हैव टू ड्रॉ दिस ग्राफ टेकिंग दिस एज वर्टेक्स. सो ये ग्राफ में क्या है, इसका वर्टेक्स क्या है, ये माइनस हाफ 3 बाई फोर. जस्ट गेट द पॉइंट, 0 माइनस पाई बाई टू, ये क्या है, माइनस पाई बाई टू, ये क्या है, माइनस हाफ. कौन बड़ा है, माइनस हाफ बड़ा है, पहले इधर कौन आएगा, माइनस हाफ आएगा. ठीक है, माइनस पाई बाई टू का मतलब आपको पता है ना, 1.57 होता है. माइनस हाफ का मतलब क्या होता है, 0.5 होता है. 0.5 कहाँ पे होगा, कहीं यहाँ पे होगा. ठीक है, इतना तो करी थी, कोई कुछ नहीं है.
अब ये माइनस हाफ है यहाँ पे और इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना है, 3/4। ये पता है साइन एक्स कहाँ तक जाता है, माइनस वन से वन के बीच, और यहाँ पे क्या होगा, ये 3/4 है, यानी यहाँ पे 3/4 ऐसे। अब यहाँ से आप ग्राफ ड्रॉ कर दोगे, ये किसका ग्राफ है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का ग्राफ है। ठीक है, ये ठीक है, चलो यहाँ वर्टेक्स लिख दीजिए आप माइनस हाफ, यहाँ पॉइंट पी लिख दो, और पी को आपने क्या लिखा हुआ है, ये माइनस हाफ 3/4। अब देखिए कितने सॉल्यूशन है। अब बोलोगे सर आपने तो ऐसे ही जबरदस्ती इधर से निकाल दिया, हो सकता था इसको टच करें, हमें कैसे पता चलेगा टच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आते हैं। पहले आप मैंने क्या किया, आपने साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का ग्राफ ड्रॉ कर दिया। अब आप देख रहे हो कि कहीं कट ही नहीं रहा है, तो कितने सॉल्यूशन, एक भी सॉल्यूशन, दुखी हो जाओगे सॉल्यूशन एक भी नहीं मिले, इतना क्वेश्चन के एक सॉल्यूशन तो मिल जाता। एक्चुअली बात सही यही है कि एक भी सॉल्यूशन नहीं है, क्या कर सकते हैं, कभी कभी क्वेश्चन में सॉल्यूशन एक भी नहीं मिलता। पर्पज क्या है, पर्पज है मार्क्स लेना ना, सॉल्यूशन पाना थोड़ी पर्पज है, तो एक भी सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो आप सोचिए कि लेकिन मन में क्वेश्चन आता है कि हो सकता है यहाँ पे कट कर सकता था, हो सकता है ये यहाँ कट कर जाता, तो इसको आप कैसे अपने आप को सेटिस्फाई करोगे कि ये कहीं भी कट नहीं करेगा। तो इसको ऐसे करेंगे, ये आपका है ग्राफ, ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का ग्राफ है, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का ग्राफ है। ठीक है, ये छोटा हो गया, दिख नहीं रहा होगा आपको। ठीक है, ये जीरो पे इसकी वैल्यू क्या होगी, अब जीरो पुट करोगे एक्स की वैल्यू, यहाँ पे एक्स जीरो रखोगे तो क्या आएगा, जीरो जीरो वन वन आएगा। तो ये जो पॉइंट है ये कितना है, दिस इज 0.1। ठीक है, तो जीरो पे तो ये वन आ गया। ठीक है, अब आगे जब आप बढ़ोगे तो ये और वैल्यू बढ़ रहा है ना, तो ये जो वैल्यू होगी वन से ज्यादा है, लेकिन ये तो वन ही तक हो सकता है, ये तो वन ही तक हो सकता है, तो इसको इंटरसेक्ट होने के लिए यहाँ पे वन होता, तब तो वन तो ये यहीं पे हो गया खत्म, इसके आगे तो वन से ज्यादा होगा, 1.1, 1.2, 2, 3, 4, 5 ऐसे बढ़ रहे हैं, तो इससे इंटरसेक्शन की बात ही खत्म, राइट साइड में इंटरसेक्ट हो ही नहीं सकता, लेफ्ट साइड में बहुत दूर है, इतना नहीं सोच मन में आएगा ही नहीं सोचने को। तो ठीक है, तो यहाँ पे एक भी सॉल्यूशन नहीं है, क्लियर है। ठीक है, नोट कर लीजिए। सो ग्राफिकली आप देखते हो तो बहुत ही आसानी से आपको पता चल गया कि सॉल्यूशन है या नहीं, कितने सॉल्यूशन है, ये सब पता चल गया। इस तरीके से बहुत सारा आप सॉल्व कर सकते हो, लाइक साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई टेन, इसमें फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ट्राई कीजिए, ऐसे बिना ग्राफ के आप ट्राई करोगे, पता नहीं कैसे करोगे, कुछ क्लियर ही नहीं है, बिना ग्राफ के आप इसको पढ़ ही नहीं सकते, तो आपको सारा ग्राफ पता होना चाहिए। आप यहाँ साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करोगे, फिर एक्स वाई, जैसे हमने किया था अभी, वाई इज इक्वल टू साइन एक्स ग्राफ ड्रॉ करो, फिर वाई इज इक्वल टू एक्स वाई टेन ड्रॉ करो। ठीक है, फिर देखो कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, सिंपल। ठीक है, आसान है, ट्राई करना आपको। तो आप यहाँ पे एक एनालिसिस ऐसे भी कर सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड किसके बीच लाई कर रहा है, वन और माइनस वन के बीच, तो जब भी ये एक्स वाई टेन के इक्वल होगा, इट ऑल्सो लाइज बिटवीन माइनस वन टू वन, सो एक्स लाइज बिटवीन टेन टू माइनस टेन, यानी कि यहाँ पे एक्स को इसने रेस्ट्रिक्ट कर दिया। ठीक है, मतलब इसके बीच ही आपको सॉल्यूशन मिल सकता है, माइनस टेन के बाहर, टेन के बाहर कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो एक बार इसको ड्रॉ कर,
ये थोड़ा छोटा बड़ा हो रहा है, इस पे फोकस नहीं करना चाहिए, पता नहीं मैं क्यों कर रहा हूँ। एक्स बाई टेन, वाई इज इक्वल टू एक्स बाई टेन, ये ग्राफ ड्रॉ कीजिए। आपको पता है वाई इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ ये होता है, वाई इज इक्वल टू टू एक्स का ग्राफ क्या होता है, ये होता है वाई इज इक्वल टू एक्स बाई टू क्या होता है, और नीचे होता है एक्स बाई टेन क्या होगा, ऐसा कुछ होगा, मतलब उसका स्लोप घटता जाएगा, इसका स्लोप बहुत ही कम हो जाएगा, मतलब ये बिल्कुल नीचे से होके जाएगा, ऐसा ऐसा, ठीक है। हमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है। अगर आप एक्स की वैल्यू 10 से ज्यादा, जैसे यहां पे थोड़ा नाम दे दो, ये पाई है, ये 2 पाई है, ये 3 पाई है, ठीक है, इसके आगे बोर्ड ही खत्म हो गया, ऐसे जा रहा है ऐसे, ठीक है, इसके आगे आप कैमरा से बाहर हो रहा है, दिख रहा है, ओके ठीक है। ये 1 है, आपको पता है 3 पाई मतलब, 3 पाई मतलब 9.42, 3 पाई मतलब 9.42, ठीक है। ये 10 कहाँ पे होगा, यहाँ पे कहीं होगा, आप समझना है इसको ध्यान से, ठीक है, भावनाओं को जरूर समझना। तो जैसे ही 10 से आगे ये वैल्यू बढ़ेगी ना, 10 से आगे जैसे ही वैल्यू बढ़ेगी बढ़ेगी, राइट साइड में क्या हो जाएगा, 11 बाई 10 या 10 से ज्यादा कोई वैल्यू होगी तो राइट साइड में क्या हो जाएगा, मोर देन 1 हो जाएगा, यानी कि जो ग्राफ, ये जो ग्राफ होगा ना, ये इससे, इस 1 से ऊपर रहेगा, ये समझना इस चीज को, यहाँ पर यह वैल्यू इसके ऊपर होगी, ठीक है। तो उसके बाद आपको कोई सॉल्यूशन मिलने वाला ही नहीं है, उसके पहले ही मिलेगा। आप देख सकते हो क्लियरली कितने सॉल्यूशन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, देर आर 7 सॉल्यूशंस आंसर, ठीक है। सो और भी बहुत सारे डिफिकल्ट इक्वेशंस हैं जिसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, ठीक है। सेकंड पार्ट क्या था, इन फंक्शन, फंक्शन में आपको डोमेन निकालना हो, रेंज निकालना हो, कोई फंक्शन गिवन है, राइट, कोई फंक्शन गिवन है, ये फंक्शन है, आप इसको देख के तो बता सकते हो सर डोमेन क्या है, क्लियरली इधर इधर कुछ भी नहीं है, तो डोमेन क्या है, पॉजिटिव एक्स, फॉर ऑल पॉजिटिव एक्स इट इज डिफाइंड, तो डोमेन पता चल गया ग्राफ से, ओके। अगर सपोज करो इस फंक्शन में यहाँ पे पाई बाई टू लिख दिया, सपोज ऐसा, यानी कि ये पाई बाई टू तक ही जा रहा है, इसके आगे नहीं जा रहा, तो इसका रेंज क्या हो गया, 0 to π/2, यानी ग्राफ से देख के आप डोमेन रेंज फाइंड कर सकते हो, ग्राफ का नेचर देख के आप बता सकते हो पीरियोडिक है कि नहीं, ठीक है। तो फंक्शन की जितनी भी चीजें हैं वो ग्राफ की हेल्प से हम कर सकते हैं, ठीक है। फंक्शन इवन है या ऑड है, आपको पता है इवन फंक्शन वाई एक्स के बाद सिमेट्रिक होता है, तो ग्राफ देख के पता चल जाएगा सिमेट्रिक है कि नहीं, ऑरिजिन के बाद सिमेट्रिक ऑड फंक्शन होता है, तो ग्राफ देख के पता चल जाएगा ऑड है या नहीं, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। फंक्शन 1-1 है कि नहीं, फंक्शन ऐसे इंक्रीज कर रहा है तो हम बोलेंगे 1-1 है, फंक्शन ऐसे डिक्रीज कर रहा है तो बोलेंगे 1-1 है, ठीक है। अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो तो 1-1 होता है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो तो 1-1 होता है, ऑन टू भी कर सकते हैं, ऑन टू में क्या देखना है, कोडोमेन रेंज के इक्वल हो तो, कोडोमेन रेंज के इक्वल होगा तो हम बोलेंगे कि ऑन टू है, ठीक है। तो फंक्शन में जितनी भी चीजें हैं उसमें एक एक करके इलस्ट्रेशन करके मैं आपको बताऊंगा कि फंक्शन में देख, इस क्वेश्चन से मैं बताऊंगा कि देखो मैंने सिर्फ ग्राफ से ही बता दिया कि ये 1-1 है या नहीं, ऑन टू है या नहीं। सो ग्राफिकल अप्रोच से बहुत ही फायदा होता है, फंक्शन में से स्टार्ट करो आप और उसकी एक एक चीज को मैं बताऊंगा। लिमिट में था, लिमिट में कोई फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं, कैसे पता चलेगा, ग्राफ से पता चल जाएगा, ठीक है। कॉन्टिन्यूटी, ग्राफ ड्रॉ कीजिए, कहाँ पे ब्रेक है देख लीजिए, ठीक है, जहाँ पे ब्रेक है वहाँ पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो बड़ी आसानी से ग्राफिकल अप्रोच को फॉलो करते हो आप क्वान्टिटी देख सकते हो, इसमें आप पहले चल आड़े चल चेक करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ आप ग्राफ देख के बता सकते हो, ठीक है। डिफ्रेंसिबिलिटी देखो, डिफ्रेंसिबिलिटी में मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको सब एक्सप्लेन करूंगा, मैं अभी आपको वैसे ऐसे ही बता रहा हूँ। डिफ्रेंसिबिलिटी में क्या होता है, हमें आर एच एल निकालना होता है, एल एच एल निकालना होता है, पहले ये देखना पड़ता है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं, जिस पॉइंट ऑफ फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है वहाँ पे वो डिफरेंशिएबल भी नहीं होता, उसके बाद हमें डिफरेंशिएबिलिटी देखनी होती है। लेकिन ग्राफिकल अप्रोच में कुछ नहीं करना पड़ता, सिर्फ ग्राफ ड्रॉ कीजिए, आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल दे दिया जाए, कोई भी सिंपल सा एग्जाम्पल, साइन इनवर्स 2x बाई, वैसे सिंपल है नहीं, इसको आप ड्रॉ करो, राइट, और बिना ड्रॉ किए आप सॉल्व करो, देखो कितना डिफरेंस होता है। अगर आपको इसका ग्राफ पता है तो आप देखोगे इसकी डिफरेंसिबिलिटी आपको ऐसे यूं पता चल जाएगी, इसको डिटेल में बताऊंगा अभी आपको,
अभी बस ऐसा समझ लीजिए, इसका ग्राफ ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्लियरली देखते हो कि यहाँ पे दो कॉर्नर पॉइंट है, तो हम कॉर्नर पॉइंट देख के बोल देते हैं कि इन दोनों पॉइंट पे वो डिफरेंसिबल नहीं होगा, बस। और कुछ नहीं करना, ग्राफ ड्रॉ किया, आंसर, ठीक है। और अगर ये नहीं करते तो क्या होता, सोचो, LHL निकालते, RHL निकालते, पता नहीं उसके बाद साइन इनवर्स ये बिहेव कैसे करता है, इनवर्स फंक्शन ही अजीब होता है ना कभी कभी, मतलब थोड़ा लेंदी होता है, बच्चों को लगता है कि वो कैसे ड्रॉ करे, क्या करे, इनवर्स फंक्शन बच्चों को डिफिकल्ट लगता है। लेकिन अगर आप ग्राफ जान लो, आप साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ जान लो, ठीक है, आप साइन इनवर्स साइन एक्स का और इस तरह के सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ जान लो, फिर बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए, आप कोई भी वैल्यू बता पाओगे, साइन इनवर्स साइन 10 बता सकते हो, साइन इनवर्स साइन 5 बता सकते हो, हमारे बुक में मैक्सिमम बुक में आपकी ये लिखा रहता है साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स व्हेन एक्स इज बिटवीन पाई बाई 2 एंड माइनस पाई बाई 2, बस। अब इसके आगे अगर एक्स पाई बाई 2 से आगे हुआ तो क्या नहीं होता कुछ, ये पूरे रियल नंबर के लिए डिफाइंड है, इसका डोमेन पूरा रियल नंबर है, तो ऐसा लिखना उतना सही नहीं है, ठीक है, इसको बांध देना। तो आगे के लिए क्या करें, इससे आगे क्या करेंगे, तो सबसे अच्छा अप्रोच यही है, इन सब डेफिनेशन को छोड़ो, इसके ग्राफ का इमेज बनाए रखो माइंड में, तो फिर देखो बहुत चीजें बहुत बहुत ही आसान हो जाती है। तो एक तो ऐसा था कि इनवर्स फंक्शन आप डेफिनेशन रखते गए, ये अप्रोच, दूसरा अप्रोच क्या था, ग्राफ याद है आपको, ग्राफ याद है साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है, ठीक है, आपको ग्राफ याद है साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है, आपसे कोई पूछ रहा है साइन इनवर्स साइन 10 क्या होगा, आप देखोगे 10 यहाँ पे आ रहा है, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू बता दोगे, बात खत्म, ठीक है। तो ग्राफिकल चीजें, ग्राफ आपके माइंड में होना चाहिए, जितने ही फंक्शन सामने आ रहे हैं आप सोचो कि इसका ग्राफ क्या होगा, जो भी कुछ सामने आ रहा है उसका ग्राफ क्या होगा, ठीक है, तो चीजें बहुत 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 ही आसान हो जाएगी, तुरंत आप सब कुछ बता पाओगे। तो इस लिस्ट में क्या बचा था लास्ट में, मैंने बता दिया डिफरेंसिबिलिटी चेक करना कितना आसान है ग्राफिकली, लास्ट में एरिया था, एरिया तो बिना ग्राफ का चल ही नहीं सकता ना, उसके लिए तो कंपलसरी है, तो जब एरिया में ग्राफ पढ़ना ही है आपको तो क्यों ना फंक्शन से ही ग्राफ को पढ़ा जाए। तो शुरू से ही आप कैलकुलस के फर्स्ट चैप्टर में डोमेन रेंज के बाद आप ग्राफ पढ़ना शुरू करो, छोटे छोटे ग्राफ से लेकर डिफिकल्ट लेवल के ग्राफ तक सारे ग्राफ समझ लो, फिर आप कैलकुलस को एंजॉय करो, ठीक है। तो यही मेरा पर्पज़ यही था इस लेक्चर का कि आप जो कैलकुलस करोगे तो ग्राफ पे फोकस करोगे, सारे फंक्शन जो भी सामने आएंगे उसको ग्राफिकली सोचोगे, सारे फंक्शन का जितने ही फंक्शन है सबका ग्राफ आपके माइंड में इमेज बनता जाए, बस यही था। तो ठीक है, अभी के लिए इतना।